नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे देश विदेश के सभी दर्शकों का स्वागत है। अमृतसर ईस्ट से कांग्रेस प्रत्याशी नवजोत सिंह सिद्धू ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिद्धू के मुताबिक वे केवल पंजाब को बचाने के लिए कांग्रेस में शामिल हुए हैं। सिद्धू ने कहा, पंजाब विकास के लिए तरस रहा है और लोगों को बीजेपी से उम्मीद थी कि पंजाब को बचाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दौरान सिद्धू इस बात को फिर से दोहराते दिखे कि वो शुरू से कांग्रेसी हैं। जड़ा सॉफ्ट लोन लिता गया फूड एंड सप्लाई महकमे वालों, ओदा मतलब है जे पंजाब सरकार वो पैसे मोड़दी नहीं ते पंजाब दीयां जिहड़ियां बिल्डिंगां ने उहनां दी कुड़की हो। जदों बादल साहब सरकार च आए सी 44,000 करोड़ रुपये का कर्जा सी। पंजाब सरकार सिर इस समय 1,88,000 करोड़ रुपये का कर्जा, जे बोर्डां ते निगमां जिहड़ियां बोर्डां दीयां बिल्डिंगां निगमां दीयां बिल्डिंगां जिहड़ियां गिरवी रखियां होईयां ने वो करजा भी शामिल कर लिए ते करजा 3,00,000 करोड़ रुपये बन जाता बाई जी। ते तुसी ला लो कल्ली एक्साइज चों 1,50,000 करोड़, ट्रांसपोर्ट ला लो बाई जी, ट्रांसपोर्ट ला लो, जमीना की खरीद खपत ला लो, माइनिंग ला लो, केबल ला लो, केबल देख लो, केबल नैटवर्क किहदा, टैलीविजन भी बन गए बादल साहब के डब्बू। ये फायदे सारे पंजाब दे सी बाई जी, सारे फायदे पंजाब दे सी, ये फायदे सारे पंजाब दे नौजवानों दे सी। ये साढ़े हक ने जड़े लुटे ने ते किसे नू ते हलाहल विश पीना पौ, किसे नू ये गल्लां करनियां पैणगियां। ते मेरा एजेंडा ये है बाई जी, मैनू कोई किन्नियां ही गालां कढ़े, मैनू कोई किन्ना ही बुरा भला कहे, उहदे नाल मैं चंगा माड़ा नहीं हुंदा। बस मैनू एजेंडा दसे भी पंजाब किवें उत्ते आउंदा, मैं उहदे नाल खड़ोता। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, सिद्धू मंगे पंजाब दी खैर। जिहड़ा पंजाब वली है, पंजाब दे एजेंडे वली है, पंजाब नूं उभारन संवारन दे वली है, सिद्धू उहदे नाल है। मैं कैप्टन साहब नूं राहुल जी नूं इक्को गल कही है कि आह एजेंडा जी, वह कहिंदे इस एजेंडे ते कौन भज सकदा। मैं कहा फिर जे एजेंडा है ते सिद्धू नाल है, कख नहीं चाहिए, ना कोई सौदेबाजी। तिनके नालों हल्की रूई, रूई नालों हल्का, मंगण वाला आदमी बिन मंगे मोती मिलते, मंग के भीख नहीं मिलती। ना कुछ मंगिया, बस पंजाब की खैर मंगते हैं। प्रण करता हूं आजादी की शाम नहीं होने दूंगा, वीरों की भगत सिंह जैसे वीरों की समाधियों को बदनाम नहीं होने दूंगा। जब तक तन में गर्म लहू की एक बूंद भी बाकी है, मातृभूमि का आंचल बदनाम नहीं होने दूंगा। बात खत्म, खतैक। मोगा के धर्मकोट में काले उम्मीदवार जथेदार तोता सिंह के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे सीएम बादल ने कर्ज माफी के वादे करने वाले केजरीवाल और कैप्टन अमरिंदर सिंह को गप्पी बताया। उन्होंने कहा कि कैप्टन और केजरीवाल लोगों को गुमराह कर रहे हैं। दूसरी ओर सीएम बादल के हलके लंबी में आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट जरनैल सिंह के लिए प्रचार करने पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने बादल परिवार एवं कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। केजरीवाल यहां एक बार फिर से दोहराते दिखे कि कैप्टन लंबी से चुनाव केवल बादल की मदद के लिए लड़ रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पोत्री सहरिंदर कौर साहिबा अपने दादा के लिए चुनाव प्रचार करने वाली हैं। प्रिंसेस ऑफ पटियाला को कैप्टन सियासत के गुर सिखा रहे हैं और पिछले 2 साल से वे अपनी विरासत को अच्छे से समझ रही है। आज वे अपने दादा यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए प्रचार के लिए पटियाला पहुंच रही है। आम आदमी पार्टी पंजाब के कन्वीनर गुरप्रीत सिंह वड़ैच इन दिनों बटाला के अलग अलग हलकों में जोर शोर से प्रचार करने में जुटे हैं। इस दौरान वे नशा, बेरोजगारी, किसान आत्महत्या और बेअदबी के मुद्दे को उठाते दिखे। उन्होंने बेअदबी मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी न होने पर मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सारे असं आप अपना काम छड़ के आए हैं, क्यों एक बार पंजाब को काम से ला लीए, पंजाब बचा लीए, उसके बाद जो मार्ग में मंजूर होएगा असं साढ़े करा। सब तो पहला पंजाब, पंजाब के 2 लाख तो वो बच्चे नशे के मुंडे लग के मर चुके हैं और लखा मुंडे अब नशे से लगे हैं, पता नहीं उन्होंने कदों तक जीवन साथ दे। इन्हों जो अज ना बचाया गया तो बच्चे हथों निकल जाएंगे। सो साड़ी सोच है, साड़ी कोशिश है, इन्होंने बच्चों असी सरकार बन रही है,
नशा की सप्लाई बंद करके नशे की पंजाब सब तो पहला नशे का रैकेट तोड़िए, नशे की सप्लाई बंद हो गए। तो जेड़े लाखों बच्चे नशिया से लगे ने सानू डॉक्टर बाहरों मंगाने पैण भी मंगावे, बच्चों को डी एडिक्ट करिए, नशे तो नशा छुड़ाइए इन्हों का, फिर बच्चों को मेन स्ट्रीम च लिया के इन्हों कारोबार से लाइए, काम कर अपने माँ प्यो रोटी पका के दें, रोटी कमा के दें। सो नशा मुक्त करना पंजाब में, भ्रिष्टाचार मुक्त करना पंजाब में, पंजाब के किसान की जिंदगी की कीमत को समझना, पंजाब की किसानी को बचाना, पंजाब के पानी को बचाना, पंजाब की असमत को बचाना, जिते रात को शाम को धियां भैन बाहर निकल के इज्जत की जिंदगी जी सकन, पता लगे कि रात को शाम को असी बेखौफ होकर घरों बाहर निकल सकते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पंजाब के सुजानपुर में कैंडिडेट दिनेश सिंह बब्बू द्वारा बुलाई गई सभा में कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जमकर हमला बोला। जेटली ने कहा कि कैप्टन का काम केवल राजनीतिक विरोधियों से बदला लेना है। ये थी अब तक की मुख्य चुनावी खबरें, अगले बुलेटिन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।